मेरे स्पेस शटल में सिर्फ 100 डेज तक सर्वाइव करने के लिए ही कुछ साधन है। क्या मैं यहाँ पर बिना पानी बिना खाने के चलते सर्वाइव कर पाऊँ? मैं पिछले 50 दिनों से इस डेजर्ट में फंसा पड़ा हूँ और मेरा स्पेस शटल जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब मुझे इसको रिपेयर करना होगा या फिर कोई और तरीके से मुझे यहाँ से निकलना होगा। देखा जाए तो ये इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला है। मेरे लिए इस डेजर्ट में एक दिन बिताना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुझे ही पता है मैंने कैसे ज़ॉम्बीज़ को मार मार के उनकी चमड़ी उधेड़ी और उसको सुखा सुखा के खाया। इस तरीके से तो मैंने अपना गुजारा किया इस डेजर्ट में। फिर जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे एक पेड़ उगाने में कामयाब हो गया जिससे मैंने अपने टूल्स बनाए और उसको इन्फेक्टेड करके अपना सोने का जुगाड़ भी किया। अब आती है पानी की बारी। तो भाई यहाँ के कैक्टस को निचोड़ निचोड़ करके तो मैंने एक एक बूंद पानी इकट्ठा किया, उसको पी करके मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर कैक्टस से मेरे को याद है कि ना मैं अपने बेस को भी थोड़ा सिक्योर कर लूं, क्योंकि यार ये वाला जो एरिया ना यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज़ है वो म्यूटेंट है, वो दिन में भी नहीं मरते। कभी कभी तो मैं इस जगह से इतना ज्यादा परेशान हो जाता हूँ कि मेरे को यार अपने पुराने दिन याद आने लग जाते हैं। किस तरीके से लैब में काम करता था, किस तरीके से स्पेस शटल को बनाया गया था और हम चांद पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अचानक हमारा ये स्पेस शटल क्रैश हो गया। और क्रैश भी हुआ तो एक ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल के बराबर है। बट वो कहते हैं ना कि जहाँ पे उम्मीद खत्म होती है असली जिंदगी तो वहीं से शुरू होती है। तो भाई यहाँ से मेरा स्ट्रगल हो चुका था और मैंने यहाँ पर अपने लिए पानी का जुगाड़ कर लिया था, खाने का जुगाड़ कर लिया था। बस यहाँ पे जो तूफान बार बार आता था ना उसमें सर्वाइव करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और मैंने पावर के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कोल जनरेटर भी बना लिया था। मैं सैंड को डस्ट में कन्वर्ट करके उसमें से मिनरल्स भी निकाल रहा था, जैसे कि आयरन, कॉपर और डायमंड तक। और उनकी मदद से अब मेरे को अपनी चीजें भी बनानी थी, मतलब अब मेरे को बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं। उसके बाद मैं लॉस्ट सिटी में गया और वहां पे जाकर के मेरी आंखें खुल गई और मुझे एक मकसद भी मिल गया था कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा प्रिपेयर क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बॉस मॉब होते हैं जिनको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जब तक मैं उनको डिफीट नहीं करूंगा मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता। तो यार उनको डिफीट करने के लिए मेरे को एक पावरफुल आर्मर, पावरफुल इंचेंटमेंट और अपने आप को बहुत ही तगड़ा बनाना पड़ेगा कि मैं उनको एक ही हीट में मार पाऊं। तो चलो यार देखते हैं, पिछले 50 दिन तो मैं यहाँ पे गुजार चुका हूँ सेफली, क्या ये आने वाले 50 साल में यहाँ पे जिंदा रहूंगा या फिर मुझे कुछ और टाइम लगेगा यहाँ से सेफली निकलने के लिए। चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर। सो यस गाइस, हम अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं और भाई हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रेस कर ली थी। मतलब अभी मैं जिंदा रह सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे मरने तक जिंदा रह सकता हूँ, मतलब जब तक मेरी उम्र है भाई। बट यहाँ पे माइनक्राफ्ट में तो इन्फिनाइट उम्र होती है, तो मुझे एक अच्छी जगह पे जाने होगा। मतलब मैं जहाँ से आया हूँ मैं अपनी लैब में वापस जाना चाहता हूँ, मैं इस वीरान बंजर रेगिस्तान से निकलना चाहता हूँ, मुझे कैसे भी करके निकलना है। ऊपर से यार यहाँ पे पानी वानी पता नहीं क्या क्या मेरे को पीना पड़ता है भाई, और ये पानी तो साफ सुथरा भी नहीं है यार, मतलब ये थोड़ा सा गंदा पानी होता है। बट कोई ना भाई, जिंदा रहने के लिए तो ये सब करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर लिया था, मतलब पानी वानी मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ, खाना वाने की मेरे पास कोई कमी नहीं है अभी। इन्फिनाइट तो नहीं है लेकिन हाँ वो लिमिटेड है, बट मेरा पेट भर जाता है। तो आज हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि भाई मैं एक स्पेस एजेंसी से हूँ तो मेरे को पता है कि चीजें किस तरीके से बनानी होती है। तो अब मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जो कि हम चांद पे बनाने वाले थे, बट अब मुझे यहीं बनानी पड़ेगी। मतलब मैं आइटम्स को डबल करने वाला हूँ। yes. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई मैंने ऑटोमेटिक ट्री फार्म बना रखा है, बस इसमें मुझे एक्स डालनी होती है। आने वाले टाइम में मैं इसमें बढ़िया वाली एक्स डालूंगा, फिलहाल मैंने स्टोन वाले डाली है। तो भाई ये चीज मैंने इतनी ऑटोमेटिक बना दी इस वीरान रेगिस्तान में, तो आप मेरे दिमाग का आइडिया यहीं से लगा सकते हैं कि मैं और क्या क्या बना सकता हूँ। बस मेरे को रिसोर्सेस चाहिए होंगे। अभी तो फिलहाल मैं सैंड को डस्ट में कन्वर्ट करके उसमें से मिनरल्स और मेटल्स निकाल रहा हूँ जिससे मेरा थोड़ा बहुत काम चल रहा है। बट अब मेरे को ट्रांसमुटेशन टेबल बनानी होगी। यस गाइस, ये एक इस तरीके की टेबल है जो कि हमारे फ्यूचरिस्ट टेबल होने वाली थी चांद पे, बट अब हमें ये यहीं पर बनानी पड़ेगी। तो इसको बनाने के लिए मेरे को ग्लोस्टोन, रेडस्टोन और एक डायमंड चाहिए। मतलब ट्रांसमुटेशन टेबल बनाने से पहले इसमें एक पर्ल होता है वो बनाना पड़ता है, तो वो बनाने के लिए मेरे को रेडस्टोन, डायमंड और ग्लोस्टोन चाहिए। और आप लोगों को पता है भाई मेरे पास रेडस्टोन और ग्लोस्टोन नहीं है, डायमंड तो अभी फिलहाल मेरे पास है, तो मैं रेडस्टोन और ग्लोस्टोन कहां से लेके आऊंगा। तो चलो वापस से मैं एक बार रिवाइंड करके देखता हूं कि मैं किस किस चीज से निकाल सकता हूं उस चीज को। देखो ये है वो पर्ल जो मेरे को बनाना, जिसको बोलते हैं फ्लोसिपर स्टोन। तो इसको बनाने के लिए मेरे को ग्लोस्टोन डस्ट और रेडस्टोन डस्ट चाहिए, और वो मिल सकती है मेरे को सैंड को डस्ट में कन्वर्ट करके और फिर डस्ट को छान करके। और भाई इसके सिर्फ 6% चांस है मुझे मिलने के, मतलब ग्लोस्टोन के और रेडस्टोन डस्ट के, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास सैंड पड़ी है क्या नहीं पड़ी कि उससे हम डस्ट बना सके, क्योंकि डस्ट को ही तो छानना अपने को, और अपने को शायद उसको कंप्रेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेस करने से ना बहुत ज्यादा चांस है निकलने के आसानी से। सिंगल सिंगल को छानूंगा तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मेरे को इसको कंप्रेस करके ही छानना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी
पुरानी चेस्ट चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसमें थोड़ा बहुत मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे 23 डस्ट मिल गया है, लेकिन इसको कंप्रेस करने बैठूंगा तो 9 ब्लॉक का एक कंप्रेस बनता है, तो मतलब 9 × 9 = 18। तो यार ये तो मतलब 2 ही ब्लॉक बनेंगे यार, 2 ब्लॉक में तो बहुत कम चांस है कि 6% डस्ट चाहिए होगी। तो चलो देखते हैं, बाहर मैंने जो मशीन लगा रखी है थोड़ी बहुत ऑटोमेटिक, जो कि कॉल जनरेटर से चल रही है ऑटोमेटिक सीव्स, तो वहां पे देखते हैं वहां पे अपने पास पड़ी है क्या नहीं पड़ी डस्ट या फिर सैंड। अगर मेरे को सैंड भी मिल जाए तब मैं उससे डस्ट बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास कंप्रेस हैमर है तो इससे थोड़ा जल्दी बना पाऊंगा। बाकी यार मैं एक एनविल बनाने की सोच रहा हूँ, जिसके लिए मेरे पास आयरन कम पड़ रहा है। वैसे आयरन भी बाहर मशीन ने निकाल दिया होगा। और ग्लोस्टोन के लिए मेरे को नेदर में जाना पड़ेगा। तो पिछली बार मैंने यहाँ पे प्रो वाली टेक्निक लगा करके लावा से और पानी से ये पोर्टल बना लिया था, जैसे पीवीपी में बनाते हैं सभी लोग। तो यहाँ से मेरे को ग्लोस्टोन चाहिए और ग्लोस्टोन मेरे को इजीली मिल गया भाई, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर ही था। बस मेरे को यहाँ से ये थोड़े बहुत ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे और यहाँ पे मेरे को और एक्सेवेशन करके एक साथ बहुत सारा ग्लोस्टोन मिल गया। ग्लोस्टोन को लेकर के मैं सीधा निकला घर की तरफ। और यहाँ पे ना यार मेरे को कोई अच्छा फूड सोर्स बनाना पड़ेगा। मैं देखो राइस वगैरह उगा रहा हूँ लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है, और इन्हीं से ही मैं अपनी बढ़िया डिशेस बना सकता हूँ। मैं कब तक ये पोटैटो वटैटो बीट रूट वगैरह खाता रहूंगा, इनसे मेरा सैचुरेशन भी खराब होता है। जी हाँ गाइस, इसमें मैं ना एक ही चीज से पेट नहीं भर सकता, मेरे को अलग अलग चीजें खानी पड़ती है वरना मैं उनको खा नहीं पाता हूँ, वो स्लो ईटिंग हो जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे को ग्लोस्टोन मिल चुका है, अब बस मेरे को रेडस्टोन का जुगाड़ करना है। वैसे यार मैंने काफी सारी चीजें इसमें सर्च करके देखी क्या मैं किसी और चीज से रेडस्टोन निकाल सकूं, बट मेरे को अनफॉर्चुनेटली लास्ट में एक ही चीज मिली कि मैं सिर्फ और सिर्फ हैवी सीव्स यानी कि हैवी मैश से ही निकाल सकता हूं डस्ट को छान करके रेडस्टोन। यही एक जुगाड़ है बस रेडस्टोन निकालने का। बस एक बार मेरी ट्रांसमुटेशन टेबल बन जाए फिर तो मैं सभी चीजों को डबल ट्रिपल कर लूंगा। बस मेरे को ईएमसी पावर चाहिए होगा, और ये ईएमसी पावर क्या होता है ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर से बात जाएगी। तो चलो मेरे पास जो 2 कंप्रेस ब्लॉक है उनको छान लेते, देखते क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे काफी कुछ चीज मिल गई बट रेडस्टोन नहीं मिला भाई, क्योंकि वो इतना आसानी से नहीं मिलेगा, उसका चांस सिर्फ 6% है, तो मेरे को काफी सारा चाहिए होगा। और यहाँ बाहर आके देखा तो मैंने यहाँ पे काफी सारा आयरन चंक्स वगैरह बन चुका था मेरे पास, यहाँ पे डायमंड वगैरह भी निकल चुके थे, और यहाँ पे भाई पूरा जैकपॉट लगते हुए मेरे हाथ काफी सारे कंप्रेस्ड ब्लॉक मेरे को यहाँ पे मिल गए। शायद ये मैंने पिछली बार रखे होंगे। तो चलो यार इन कंप्रेस सैंड के ब्लॉक्स को हम कंप्रेस हैमर से डस्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इनको छानना शुरू करेंगे कंप्रेस करके। आई होप कि इतने सारे ब्लॉक से मेरी जो प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि रेडस्टोन मिल जाएगा। ग्लोस्टोन तो मेरे पास आ चुका है, अभी मेरे पास काफी सारी डस्ट आ चुकी है, तो चलो इसको कंप्रेस करते हैं ताकि इसको हम हैवी सीव्स में छान सके, क्योंकि यार मैं नॉर्मल वाले को छान भी नहीं सकता हैवी सीव्स में। हैवी सीव्स में हमेशा कंप्रेस वाले ब्लॉक ही छान सकता हूं मैं। तो मेरे पास लगभग 1.5 स्टैक के करीब हो गया है, तो चलो देखते हैं यार अपने को इससे रेडस्टोन मिलता है कि नहीं मिलता। ओके गाइस, तो भाई मेरे पास 4 हो चुके हैं, मतलब यार लगभग मैं 30-40 ब्लॉक छान चुका हूं तब जाके मेरे को 4 रेडस्टोन मिले। तो भाई देख रहे हो कितना रेयर है। एंड फाइनली गाइस अपने पास पर्ल आ चुका है यानी कि फिलोसोफर स्टोन। तो भाई अब इससे मेरे को बनानी पड़ेगी वो ट्रांसमुटेशन टेबल, यानी कि अब मेरे को कुछ इंग्रेडिएंट्स और चाहिए, जैसे कि मेरे को 4 स्टोन चाहिए और 4 ऑब्सीडियन चाहिए। अब भाई ऑब्सीडियन के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने जो ऑब्सीडियन है वो लावा की और वाटर की बकेट से बनाया है, और तो मेरे पास यार अभी लावा की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि लावा बनाने के लिए ना मेरे को क्रूसिबल के नीचे टॉर्च लगा के और उसमें कोबलस्टोन डालने पड़ते हैं क्रूसिबल में, तब जाके वो पिघलता है और लावा बनता है। तो भाई इस तरीके से लावा बनता है, मेरे को नहीं पता इसके अंदर 1 बकेट है या 2 बकेट है, मेरे को 4 ऑब्सीडियन चाहिए। तो चलो यार लावा का जुगाड़ करते हैं। वैसे यार मैं नेदर ओपन कर चुका हूं, मैं नेदर से भी तो लावा ला सकता हूं। तो चलो मेरे पास कुछ बकेट वगैरह है उनको खाली करते हैं। मेरे पास 1 बकेट ऑफ लावा पहले से पड़ा हुआ था, तो मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैं ऑब्सीडियन बनाने वाला हूं बिना डायमंड की पिकेक्स के। लिटरली गाइस आप लोग इसमें डायमंड की पिकेक्स नहीं बना सकते, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि यार उसके बगैर हम तो ऑब्सीडियन माइन ही नहीं कर सकते ना भाई। इसमें हम डायमंड के पिकेक्स बना सकते हैं, बट उसके लिए अपने को नेदर स्टार चाहिए होगा, या फिर एक अलग तरीके का डायमंड हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि डायमंड का एक इनगट बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बनता है, उसको हम अभी नहीं बना सकते। यहाँ पे मैंने जो स्टोन बैरल था उसको थोड़ा नीचे लगा दिया, ताकि यार मैं यहाँ पे पानी गिरूं तो हमारे घर की चीजें इधर उधर ना फैल जाए। तो ये देखो भाई इस तरीके से मैं ऑब्सीडियन बनाने वाला हूँ इसमें। तो अभी आ गया हूँ मैं नेदर में, मेरे पास 1 ऑब्सीडियन तो आ चुका है, अब मेरे को 3 ऑब्सीडियन और चाहिए। तो चलो देखते हैं भाई यहाँ पे कहीं आसपास लावा मिल जाए। बाकी यार ये जो बकेट है ना ये क्ले की बकेट है, पास आयरन की बकेट सिर्फ 2 ही हैं। तो चलो कोई नहीं, क्ले की बकेट को मैं यहाँ पे खाली कर लूँगा।
बट यार मेरे को एक चीज पता चली कि जिस माइनक्राफ्ट वर्जन में मैं ये गेम खेल रहा हूँ ना, इस वर्जन में हम नेदर में वाटर बकेट खाली ही नहीं कर सकते, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा इन बकेट्स को खाली करने के लिए। और हाँ यार, मेरे को लावा चाहिए और आसपास तो लावा है नहीं, और अगर मैं ज़्यादा दूर निकल गया तो यार कोई भी बढ़िया मॉब्स मेरे को मार देगा, यानी कि जो खतरनाक म्यूटेंट मॉब है वो मेरे को मार देगा। तो मेरे को यहाँ पे एक टनल बनानी पड़ेगी लावा तक पहुँचने के लिए। वैसे यार फोर्ट्रेस भी मेरे यहाँ पे आसपास ही है, मतलब मेरे को सीड तो काफ़ी अच्छा मिला इस वर्ल्ड का। चलो कोई नहीं यार, देखते हैं लावा पूल तक मैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मतलब मैंने काफ़ी गहराई तक नीचे तक टनल बना दिए, बट मेरे को लावा पूल तो नहीं मिला, बट बहुत सारे यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक मिल गए। तो यार इनको देख करके ना मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना मैं टॉर्च की जगह जो क्रूसिबल के नीचे मैंने टॉर्च लगाई है उसके नीचे मैं मैग्मा का ब्लॉक लगा दूं, ताकि वो ज्यादा हीट करे और मतलब मेरे को जल्दी जल्दी सी स्टोन पिंगल के लावा मिल जाए। ये वाला आइडिया करके देखते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर मेरे को सिंपल तरीके से लावा निकालना पड़ेगा अपने क्रूसिबल में से टॉर्च लगा के स्टोन डाल के। A few inches later. So, unfortunately guys, ये वाला आइडिया काम नहीं आया, मतलब भाई लावा नहीं बन रहा है, तो मेरे को सिंपल तरीके से बनाना पड़ेगा भाई लावा, मतलब नीचे टॉर्च लगा करके और स्टोन डाल करके। जब तक हमारा लावा बन रहा है भाई, तब तक मैंने एक पुलवराइजर बना लिया है। इस पुलवराइजर को बनाने में सच में हालत ख़राब हो गई, क्योंकि भाई इसमें भी रेड स्टोन लग रहा था बनाने के लिए, और भाई 8-10 रेड स्टोन लगा इसमें, और उसको निकालने में यार मेरे लगभग बहुत सारे ब्लॉक चले गए डस्ट के। तो चलो कोई नहीं यार, अभी तो जाने दो, जब मेरे पास ट्रांसम्यूटेशन टेबल आ जाएगी ना तो ये सब चीज़ें एकदम चुटकियों में आएंगी मेरे पास, बस मेरे को EMC वैल्यू चाहिए होगी बहुत सारी। तो चलो भाई देखो, ये इसके ऊपर मैं एक ये LV का मतलब लो वायर कनेक्टर लगा देता हूँ, और मेरे पास LV की वायर भी है, यानी के लो वोल्टेज वायर। तो देखो इसके अंदर पावर आना शुरू हो गया है। अब देखो मुझे इस पुलवराइजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को यार ऑब्सीडन की डस्ट वगैरह और पता नहीं किस किस चीज़ की डस्ट बनानी है, जो कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं बना सकता, सिर्फ इसी से ही बना सकता हूँ। तो ये सीव्स जो है अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी ये इतना काम नहीं कर रहे, और वैसे भी अब मेरे पास आइटम्स जो है वो डबल ट्रिपल मतलब अब अनलिमिटेड आने वाले हैं। तो जब तक के लिए भाई हम ये चीज़ें ये मशीनें बंद कर देते हैं, क्योंकि अब मेरे को ये सैंड से मेटल्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अगर मेरी ट्रांसमोटेशन टेबल बन गई तो। चलो सारी पावर मैं पुलवराइजर में डालता हूँ कोल जनरेटर की, फिर धीरे धीरे मैं एक बढ़िया सा बायो प्लांट भी लगाऊंगा जिसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से एनर्जी बनाएंगे और अनलिमिटेड एनर्जी बनाएंगे। फिलहाल अभी तो कोल से बन रही है एनर्जी भाई, और कोल हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। तो मेरे को भूख लग गई है, तो देखो भाई एप्पल को मैं कितनी देर में खा पा रहा हूँ, मतलब वो ये कि मैं एक फूड को बार बार रिपीट नहीं कर सकता। फिलहाल मैंने एप्पल और पोटैटो कई बार रिपीट कर ले, तो मैं अब इनको ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ, ओवर ईटिंग हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट ईट कर रहा है मेरा प्लेयर। तो इसलिए मेरे को ना बदल बदल के चीज़ें खानी पड़ेगी, मुझे हर चीज़ का न्यूट्रिशन चाहिए। मैं सिर्फ एप्पल ही नहीं खा सकता, या फिर मैं सिर्फ मीट ही नहीं खा सकता, मीट तो यार नसीब ही नहीं है भाई यहाँ पे, सही बताऊँ तो एक जानवर की शक्ल नहीं देखी मैंने यहाँ पे अभी तक। तो भाई ये लास्ट ऑब्सीडियन था मेरा, ये भी बन गया है। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ ट्रांसम्यूटेशन टेबल, और अब मैं अपने सामानों को डबल ट्रिपल करने वाला हूँ, बस मेरे को EMC पावर की वैल्यू चाहिए होगी। तो चलो भाई ट्रांसम्यूटेशन टेबल बना लेते हैं। फिलोसिफर स्टोन मैंने पहले ही बना लिया था, तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि EMC होती क्या है। तो पहले मैं इसको लगा देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं आइटम किस तरीके से डबल करूँगा। तो देखो भाई जहाँ पे ये बर्न का निशान आ रहा है ना, यहाँ पे मेरे को चीज़ें बर्न करनी होंगी, मतलब मैं जो भी चीज़ बर्न करूँगा ना तो वो चीज़ इसके अंदर चली जाएगी। फिलहाल मैं इसको चेक करके देख रहा था टेबल को कि मैं कहाँ कहाँ इसमें चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ। फिलहाल यार इसमें हम चीज़ें वीजें स्टोर नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ एक EMC वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो कि हर एक चीज़ में एक अलग EMC वैल्यू होती है। वैसे मैं इसमें डस्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, शायद डस्ट में कोई EMC वैल्यू नहीं है इसलिए। तो देखो भाई इन स्टोन में भी EMC वैल्यू है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि EMC वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर माउस रखा हुआ है, तो इस पे लिखा हुआ है EMC वैल्यू जो इसकी 32 है। मतलब इस अगर मैं इस टेबल को बर्न करता हूँ ना ट्रांसमोटेशन टेबल में, तो मेरे को 32 EMC वैल्यू मिल जाएगी, और उस 32 EMC वैल्यू से मैं कुछ भी चीज खरीद सकता हूँ। मतलब 32 EMC वैल्यू वाली क्राफ्टिंग टेबल तो खरीद ही सकता हूँ। अगर कोई चीज़ 32 EMC की आ रही है या उससे कम में आ रही है 18-19 EMC में, तो वो भी मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन इसमें मैं चीज़ें भी वही खरीद सकता हूँ जो मैंने इसमें रिसर्च करी होंगी, मतलब जो मैंने इसमें बर्न करी होंगी, तो मैं उन्हीं चीज़ों को खरीद सकता हूँ। सर्च करके खुद से कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। तो सबसे पहले मुझे इसमें हर एक चीज़ बर्न करनी होगी, चाहे मुझे उसका सिंगल चीज़ बर्न करनी पड़े, फिर मैं उसको इस तरीके से बहुत सारी निकाल सकता हूँ EMC वैल्यू के हिसाब से। जैसे इसमें एंडर पल की जो EMC वैल्यू है वो 1000 है, तो मुझे यानी कि
जैसे कि मैं क्राफ्टिंग टेबल देख लूं, क्राफ्टिंग टेबल में 32 की ईएमसी वैल्यू थी, तो मेरे को बहुत सारी क्राफ्टिंग टेबल डालनी पड़ेंगी, तब जाके मैं 1000 ईएमसी वैल्यू बना पाऊंगा और एक एंडरपल बना पाऊंगा। बट जरूरी नहीं है कि मैं क्राफ्टिंग टेबल ही डालूंगा भाई, इसमें जो एमरल्ड होता है ना, सबसे ज्यादा ईएमसी वैल्यू उसके अंदर होती है। मतलब भाई माइनक्राफ्ट में यहाँ पे साबित कर दिया है कि डायमंड से रेयर चीज जो होती है ना वो एमरल्ड होती है, इसीलिए इसमें भी एमरल्ड की जो वैल्यू है ना, यानी कि ईएमसी वैल्यू है, वो हर एक मटेरियल से, हर एक मेटल से ज्यादा है। बाकी मुझे अब कुछ भी मिलेगा ना, वो मैं इस ट्रांसमुटेशन टेबल में बर्न करूंगा, उसको रिसर्च करूंगा ताकि मैं उसको डबल ट्रिपल कर पाऊं और उसकी ईएमसी वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। इस तरीके से मैं चीजें अब डबल ट्रिपल कर सकता हूं, बट मेरे पास चीजें लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और हाँ, मैं एक चीज और इसमें करके देखना चाह रहा था कि मैं चीजों को यूज, चीजों को जैसे कि किसी चीज की ड्यूरेबिलिटी खत्म हो रखी है उसको डालता हूं, तो मेरे को क्या उसकी पूरी ईएमसी वैल्यू मिलेगी? और इसका जवाब था जी नहीं। अगर मैं इसमें कोई भी चीज जिसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो चुकी है तो उसकी ईएमसी वैल्यू भी इसी तरीके से गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो आपको सस्ती मिलती है, और नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो आपको रेट टू रेट मिलती है। तो इसी तरीके से अगर इसमें मैं पुरानी चीजें डालता हूँ, उसके मेरे को कम ईएमसी वैल्यू मिलेगी, और फिर मैं उसको नई करके निकालता हूँ तो उसकी मेरे को पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी जितने की है वो। मतलब चीटिंग नहीं कर सकते हम इसमें। सो भाई, अपना ट्रांसमुटेशन टेबल तो बन गया और मेरे पास यहाँ पे 173,000 ईएमसी भी हो गया है, और मैंने ये चीजें अभी तक रिसर्च करी है। अभी तो ये मतलब नॉर्मल चीजें हैं यार, अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सा मटेरियल है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, लैपिस है, आयरन तो मैंने रिसर्च कर लिया है, डायमंड भी मैंने रिसर्च कर लिया है, ब्लेज रोड है, फ्लिंट है, ग्लोस्टोन है, निकल है, लीड और एल्यूमिनियम, क्वार्ट्ज, उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिंग है, सुगर केन, रोटन फ्लैश, ओक सैपलिन, डर्ट, सैडल, क्ले, लॉग, ट्रैपडोर, ओक सैपलिन, एलवी के वायर, क्रेट, चेस्ट, एलवी रिले, बार्स, नेदर रैक, वूल, टॉर्च, और भी जो जो चीजें मेरे सामने आती रहेगी वो सारी के सारी मैं यहाँ पे रिसर्च करता रहूंगा भाई। बाकी मैं इनको तो भाई पकाने के बाद ही रिसर्च करूंगा, क्योंकि ये ऐसे रिसर्च होंगे भी नहीं। मुझे ना सभी चीजें रिसर्च करनी होंगी जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है यहाँ पे आसपास, जिनके अंदर ईएमसी वैल्यू है, फिर मेरे को ना उन चीजों को बार बार क्राफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट इस टेबल में से वो चीज निकाल सकता हूँ। ये चीज मेरे लिए बहुत सही हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टोन भी हैं जो कि कंप्रेस स्टोन है, तो भाई इनसे भी मैं अच्छी खासी ईएमसी वैल्यू ले सकता हूँ। चलो और चीज देखता हूँ मैं, और किस चीज से ईएमसी वैल्यू ले सकता हूँ मैं। मेरे पास कुछ एमरल्ड भी पड़े, और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एमरल्ड से सबसे ज्यादा ईएमसी वैल्यू मिलती है, तो चलो देखते हैं ये जो एमरल्ड है ये कितनी ईएमसी वैल्यू दे सकता है मुझे, और डायमंड कितनी देगा। और कोल भी वैसे ठीक ठाक दे रहा है, तो चलो देखते हैं कितनी ईएमसी वैल्यू देते हैं ये चीज। और यहाँ पे देखो भाई डायमंड, ये डायमंड का मैश कितनी ज्यादा ईएमसी वैल्यू दे रहा है यार। अब मेरे को मैश की जरूरत तो है नहीं, तो मैं इसकी ईएमसी वैल्यू यूज कर सकता हूँ, तो चलो भाई ले लेते हैं। अब देखो कोल का पूरा एक स्टैक 8000 ईएमसी वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे डायमंड का एक डायमंड जो है वो 8000 की ईएमसी वैल्यू दे रहा है। अगर मैं एमरल्ड की बात करूँ तो वो 16384 ईएमसी वैल्यू दे रहा है। मतलब एमरल्ड जो वो बहुत ओपी होने वाले हैं इसके अंदर। ये देखो भाई, अब मैं ये सारे के सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देता हूँ जिससे कि मेरे को काफ़ी सारी ईएमसी वैल्यू मिल जाएगी। अभी देखो, ये देखो भाई एमरल्ड से, भाई एमरल्ड की पावर इसमें बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मेरे पास 500,000 ईएमसी हो चुका है। अब गाइस मेरे को अपने लिए ना बढ़िया सा आर्मर बनाना पड़ेगा भाई, ताकि मैं इन फालतू के मॉब्स वगैरह से ना मरूं। तो यार मेरा तो मन कर रहा है कि अब मैं सारे के सारे सेटअप्स को हटा दूं, क्योंकि अब मेरे पास अच्छी खासी चीज आ चुकी है, यानी कि ट्रांसमुटेशन टेबल। अब इससे मैं काफी सारी चीजें बना सकता हूँ, बट यार अभी भी मेरे पास ना पावर नहीं है, और ना ही मेरे पास अनलिमिटेड ईएमसी है। मैं अनलिमिटेड ईएमसी पावर भी बना सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को एमरल्ड का जुगाड़ करना पड़ेगा, और एमरल्ड का जुगाड़ तो यार है नहीं मेरे पास। अगर मेरे को मेरे वर्ल्ड में कोई ऐसा एक मॉब मिल जाए ना जो एमरल्ड ड्रॉप करता हो, तो भाई सच में मैं उसका मॉब फार्म बना लूंगा, और मेरे पास फिर अनलिमिटेड एमरल्ड एमरल्ड हो जाएंगे, मतलब फुल ईएमसी पावर। तो चलो यार देखते हैं मैं कौन सा वाला मॉब फार्म बना सकता हूँ। तो चलो गाइस, मेरे को कुछ मशीनों के सेटअप बिठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यार मैं यहाँ से फालतू की चीजें हटा लेता हूँ, एक एक्स बना लेता हूँ सबसे पहले तो मैं।
ओके, अब यार इनकी जरूरत नहीं है मेरे को, तो इनको मैं हटा देता हूँ ताकि मेरे प्लेन में थोड़ी जगह बन जाए। और क्या इनके अंदर EMC वैल्यू है? ओके, इन सब चीजों के अंदर EMC वैल्यू, मतलब मैं इनको भी बर्न कर सकता हूँ, ये मेरे बेकार नहीं जाएंगे। नाइस, बस मैं राइस को नहीं डाल सकता इसके अंदर, मतलब मेरे को राइस तो उगाना ही पड़ेगा क्योंकि यार राइस से काफ़ी सारी डिशेस बनेंगी। तो मैं थोड़े से डर्ट निकाल लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे राइस उगा सकूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हटा दी है और मैंने यहाँ पे राइस उगाना भी शुरू कर दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी दो ही ब्लॉक में, धीरे धीरे मैं यहाँ तक राइस उगा दूंगा। राइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मुझे आगे जाके। मेरे पास बोन मील नहीं है तो मेरे को बोन मील का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड हाँ यार, मैंने यहाँ पे ना एक ये फिल्टर्ड बॉटल बना ली है, मतलब फिल्टर वाटर बॉटल, और इसके अंदर EMC वैल्यू, और इसको मैंने ट्रांसपोर्टेशन टेबल में डाल दिया है ताकि मैं अनलिमिटेड पानी निकाल करके पी सकूँ भाई इस तरीके से। देखो, बोतल खाली हो गई, अब इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा वाटर बोतल। हाँ, वो बात अलग है, इसमें भी EMC है भाई, मतलब ये समझ लो कि मुझे माइनक्राफ्ट में पानी जो है खरीद के पीना पड़ रहा है। ठीक है भाई, अब क्या करे, खरीदना तो पड़ेगा ना। और सबसे अलग बात क्या हो रही है कि यार मेरे को ना फूड की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे को ना अब इतना ज़्यादा फूड की कमी हो रही है ना कि यार क्या बताऊँ, मतलब मैं गरीब हो गया हूँ यार, फूड में ना कुछ भी नहीं है मेरे पास, फूड में यार क्या करूँ यार, खाने का कुछ भी नहीं है यार। गोल्ड एप्पल भी तो बना सकता हूँ ना, गोल्ड की एप्पल बनाने के लिए मुझे, भाई इसमें मैं गोल्डन एप्पल बना ही नहीं सकता, वाह, बट इसमें मैं एप्पल सॉस बना सकता हूँ और उसको खा भी सकता हूँ, जिसके लिए मेरे को पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो चलो यार एक पोर्ट बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से बनता है पोर्ट। मेरे को 4 आयरन और 1 स्टिक चाहिए होगी, तो चलो ये पोर्ट बना लेता हूँ भाई, ये बहुत ही तगड़ी चीज बनने वाली है। पोर्ट कैसे था भाई, हाँ ये रहा, नाइस। अब मैं इसके साथ में एक एप्पल रखता हूँ ना, तो मेरे को मिलता है भाई एप्पल सॉस। और यहाँ पे मैं एक क्रेट लगा देता हूँ, मेरे पास क्रेट है, ओके मेरे पास एक क्रेट है, यहाँ पे मैं एक क्रेट लगा देता हूँ जिसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान रखूँगा, जैसे पोर्ट रखूँगा, इसको डबल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इधर रख सकता हूँ। तो यार मैं एक दो एप्पल और निकाल लेता हूँ और इसका भी बना लेता हूँ एप्पल सॉस। और ये एप्पल सॉस ना मेरा एकदम बढ़िया वाला पेट भर देगा भाई, बहुत सही चीज़ है यार ये। इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके के फूड बना सकता हूँ, ये देखो भाई पूरा पेट ही भर दिया इसने मेरा, नाइस भाई, अब जाके मेरा पेट भरा है माइनक्राफ्ट में, मैं कब से खेल रहा हूँ इसमें। तो चलो गाइस, अब कुछ मशीनें बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे मेरे को लूटिंग की एक बुक चाहिए, और ये लूटिंग की बुक मेरे को क्यों चाहिए अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आप लोगों को। इसकी लूटिंग की बुक बनाने के लिए मेरे को एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं इंचेंटर। तो इंचेंटर बनाने के लिए मेरे को डार्क स्टील चाहिए होगा भाई, और डायमंड मेरे पास है, बुक भी मेरे पास है। तो भाई स्टील मेरे को कैसे मिल सकता है? स्टील बनाने के लिए मैं अलॉय स्मेल्टर बना सकता हूँ या फिर अलॉय फर्नेस बना सकता हूँ। अगर मैं अलॉय फर्नेस बनाता हूँ तो इसके अंदर मेरे को स्टील डालना पड़ेगा और ऑब्सीडियन डालना पड़ेगा, एंड आई थिंक स्टील तो मेरे पास है ना। ओके, स्टील नहीं है मेरे पास, स्टील तो मेरे को बनाना ही है, तो स्टील कहाँ से आएगा मेरे पास, सिंपल सी चीज यार। तो मेरे को अलॉय स्मेल्टर बनाना पड़ेगा, और अलॉय स्मेल्टर में मैं जब ऑब्सीडियन और पिसा हुआ कोल और आयरन को डालूंगा तो यहाँ पे डार्क स्टील मिल जाएगा मुझे। और अलॉय स्मेल्टर बनाने के लिए ना मेरे को इतनी चीज़ें लगेंगी, यानी कि मेरे को एक मशीन चेसी भी लगेगी, और ये मशीन चेसी बनाने के लिए मेरे को बेसिक कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, और बेसिक कैपेसिटर के लिए मेरे को रेड स्टोन, गोल्ड नगेट और कॉपर लगेगा। गोल्ड निकाल लेता हूँ, रेड स्टोन निकाल लेता हूँ, और कॉपर मैंने रिसर्च नहीं किया, तो कॉपर है भी क्या मेरे पास? यार कॉपर नहीं है क्या मेरे पास? कॉपर था तो सही, देखता हूँ भाई, मेरे पास कॉपर नहीं है यार, बहुत दिक्कत हो गई है। तो मेरे को कॉपर निकालना पड़ेगा, तो मतलब मेरे को कंप्रेस सैंड चाहिए, और ये कंप्रेस सैंड को जब मैं इसके अंदर डालूंगा ना तो मेरे को काफ़ी चांस है कि मेरे को कॉपर मिल जाएगा। बट कॉपर भाई इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉपर मिलने के चांस सिर्फ 8% है। चलो कोई ना, देखते कितनी सैंड से मिलता है। ओके गाइस, तो भाई मेरे पास सारी ही चीज़ें आ गई हैं, फटाफट से इसका नगेट बना लेते हैं और इस नगेट को डबल कर लेते हैं। अब चाहिए अपने को नगेट, तो चलो अपनी पहली चीज़ बना लेते हैं, अलॉय स्मेल्टर। लेट्स गो गाइस, अलॉय स्मेल्टर हमारा बन गया है। आई थिंक तूफान आया है क्या भाई? ओके गाइस, तूफान आने वाला है भाई, देख रहे हो आप? और यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज भी भर गए हैं भाई, इनको भी मारना पड़ेगा। बट पहले मैं अपनी मशीनें सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पे,
तो ये है अलॉय स्मेल्टर और ये मैं दो लगाने वाला हूँ, और इसको चलाने के लिए चाहिए मेरे को पावर। ओ भाई इनके लिए पावर चाहिए यार, ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो रही है क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई अच्छा पावर का सोर्स नहीं है। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से थोड़ा सा कोल जनरेटर को उठा करके लाना पड़ेगा इधर की तरफ, क्योंकि यार अब मेरे को काफ़ी सारी पावर चाहिए होगी। फिलहाल मेरे पास कोल जनरेटर ही पावर का एक सोर्स है, यहाँ पे एक लगा देते हैं। मैं ना यहाँ से एक डायरेक्ट रास्ता भी बना लेता हूँ अंदर जाने का इस तरीके से, और ये वाला रास्ता कर देता हूँ बंद। ओके गाइस, तो भाई इनके अंदर पावर आ रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बट इसके अंदर मेरे को कोल डालना पड़ेगा और कोल मेरे पास अनलिमिटेड है तो कोल की तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डोर भी बना लेता हूँ, क्योंकि डोर नहीं लगाया तो भाई रात को ज़ॉम्बीज घुस सकते हैं मेरे घर के अंदर। ये फर्नेस वगैरह को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ फिट कर देता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल हो जाएगी यहाँ पे। और भाई ये गलती ना मैं रात को नहीं करूँ, क्योंकि अगर ये गलती मैंने रात को कर दी ना तो समझ लो भाई मौत पक्की है। अब मैं मार्केट से यार कुछ सीड खरीदने आया था कि मेरे को ना अचानक कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम हो रखा था भाई, कोते कोते करके आवाज़ आ रही थी मुझे। तो मैंने बाहर जाके देखा तो यहाँ पे कुछ एक अजीब सी ट्राइब यहाँ पे आ चुकी थी भाई, मुझे नहीं पता ये कौन है, आई थिंक ये रेगिस्तान के ट्राइब लोग हैं भाई। अचानक से उन्होंने मेरे पे यार फुल तगड़ी स्पीड में हमला कर दिया, और लिटरली गाइस इनका एक मालिक भी था। होली क्रैप गाइस, मेरे को लगता है मैं पिटने वाला हूँ यार बहुत ज़्यादा, ऊपर से ज़ॉम्बीज और ऊपर से ये भी कोते कोते करने वाले गाइस, ये क्या चीज़ है भाई मेरे को लिटरली नहीं पता। होली क्रैप गाइस, क्या मैं इससे बच पाऊंगा भाई, नेक्स्ट एपिसोड जरूर से देखना, ये क्या चीज़ है भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। होली क्रैप।